नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी 2-3 दिन से जो है मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो कल भी जो है पूरा दिन लाइट नहीं थी तो फ़ोन बिल्कुल बंद था, तो ऐसे में भी फिर वीडियो नहीं बना पाया। तो आज भी थोड़ा मौसम मतलब दोस्तों, घर तो मैं आप लोगों को अपना दिखा ही चुका हूँ, लेकिन ये रहा अपना घर। ये जो महिला है ये मेरी घरवाली है और ये मेरे छोटा ताऊ है। ये बिल्लू ये देखो दोस्तों कितनी मौज है इनके। तो ये लीजिए भाई साहब भी अब लग चुके हैं बच्चों के साथ खेलने में। लंबाई मार दिया तो यार, हल्की सी हल्की सी। ये देखिए भाई ये लगा नहीं बन रही भाई, बात नहीं बन रही है बात। ये हमारे पप्पू का लड़का है, हमारे पड़ोसी का। ये बहुत झगड़ा छोकरू है, देखो कितने प्यार से बैठा है, मैच देख रहा है। ये मक्की है, मक्की छोल कर रखी है। ये मक्की है सारी। ये अब दोस्तों ये देखो, ये जैसे पेंच कस वगैरह लेके एक एक लाइन खोल के ये देखो, फिर ये खोलने में आसानी रहती है। ये देखो ये सब इसमें पेचकस लगा हुआ है खोलने के लिए, फिर आसानी रहती है। ये देखो, और जो इस मक्की में पेचकस नहीं लगा हुआ है अरे वो खोलने के लिए दिक्कत करती है। ये देखो नहीं खुलती, और जब इसकी एक एक लाइन खाली हो जाती है फिर ये जैसे ये हुआ ये देखो ये। हेलो दोस्तों, हमारे जो गांव में मेला लगा है यहाँ से 8 या 9 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे जो हमारे चाचा जी हैं उनके 2 बेटियाँ और 1 लड़का, वो हमारे क्योंकि वहाँ पर जाने की सुविधा तो नहीं है तो आज रात को हमारे पास ही ठहरेंगे। देखें दोस्तों अंदर रसोई में क्या बन रहा है। ये जो महिला बैठी हैं यहाँ पे ये सिवनियाँ बना रही हैं, सिवनियों की तैयारी कर रही हैं। देख ये दोस्तों इसमें भी डल रहा है, ताकि ये मेहमान पहुंच चुके हैं और एक लड़का इसमें अभी मुंह हाथ धो के अब आया है, पहुंच चुका है ये। अच्छा
काली मिर्चा नहीं यार। ये अपने छोटे भाई साहब जी आ चुके हैं। दोस्तों कल भाई साहब जो है वेल्डिंग कर रहे थे, जो वेल्डिंग होती है जो मतलब लोहा जिससे मतलब जुड़ाते हैं, तो कल ये वेल्डिंग कर रहे थे भाई साहब, तो इनके आँखों में जो है वेल्डिंग लग जाती है, तो आज उसका आप लोगों को मैं देसी नुस्खा बताता हूँ जिससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। अगर जैसे आँखों में वेल्डिंग लग जाती है ना, तो उसका आपको आज मैं देसी नुस्खा बताता हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल एंड प्योर। चलिए दिखाता हूँ मैं आप दोस्तों। ये काली मिर्च है, कम से कम ये कोई कितने होंगे, ये 8-10 दाने हैं कम से कम। तो अब देखिए भाई साहब क्या करेंगे, इसको इन्होंने अपने मुँह में डाल लिया है, अब इसको ये बिल्कुल बारीक से चबाएंगे। अब देख लो दर्द इनको भी हो रहा है, अब इनको तो हो ही रहा है, लेकिन इनको भी अभी देखना आप इसका, ये इसको जो है ना बिल्कुल बारीक बारीक चबा लेना है, और उसका फिर जो है ना ये आँखों में आवाज देनी है, आँखों में इसका मतलब भाप डालना यानी हवा देनी है ये, फिर उससे देखते हैं अब कैसे ये करेंगे। तो अभी ये जो है बिल्कुल इसको बारीक तरीके से चबा रहे हैं, तो अब काली मिर्च आप खुद भी समझ सकते हो कि कितनी तेज है, लेकिन अब भाई साहब को भी दर्द हो रहा है। तो अभी ये देखिए आप, ये दोस्तों ऐसे करके आंखें खोल के ऐसे भाप देनी पड़ती है, ये देखो ये देखिए दोस्तों क्या बिल्कुल ओरिजिनल तरीका है, इससे बिल्कुल एकदम बिल्कुल आपको तुरंत आराम मिलेगा। ये देखिए भाई साहब की आंखें ही देख लो आप, कितनी परेशान हो रहे हैं बेचारे सुबह से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। अरे यार अभी तो तभी तो निकलेगा, रुक जा निकलो ना पानी पीछे, यार इसने भी तो मिर्च चबा रखी मुंह में, अरे भी तो मीन सुने भी तो मिर्च चबा रखी इसके भी मिट्टी पुली लग रही है। ये तरीका है दोस्तों, भाई साहब की हालत है बिल्कुल खराब। क्या देख रहा तरा कर आराम आराम से मिर्च लग रही खोले करो लड़की लड़की देख रहे तुरंत थोड़ी देर में ठीक है तो ये खोलने की डेट नहीं हो रही है, अब खोलेगा हवा लगेगी उस हिसाब से तेरा ठीक हो जाएगा। हल्के हल्के हाँ खोलता रहे आराम, हवा लगा हाँ ऐसे कर बुरी हालत हो चुकी है भाई साहब की, तो पानी जितना हुए। तो दोस्तों ये तरीका है बिल्कुल, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये काली मिर्च थी, इसमें कोई ऐसा तो था नहीं, अब इसमें सिर्फ भाप देनी है, हवा देनी है, मतलब कि बंदा उसको अपने मुंह में चबाएगा और उसकी फिर हल्की हल्की हवा देती रहनी है, मतलब आँखों में हवा डालनी है, उससे जो अंदर जो वेल्डिंग के जो मतलब जो भी है उसकी गैस होती है अंदर चले जाती है, तो फिर बाहर निकलती है। तो ये तरीका है दोस्तों, आप लोगों तक शेयर किया। दोस्तों ये है मेरे भाई साहब जो वीडियो बनाते हैं आजकल, क्योंकि अब इनका मन करता है कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तो अब मैं भी मना नहीं कर सकता, तो ये आजकल डेली ब्लॉग बना रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे लगते होंगे, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए। और ये है मेरे भतीजे छोटा बेबी दिव्यांश, और ये इधर लगा है बच्चों का मैच।